एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा बृहस्पतिवार को बाढ़ प्रभावित डोमिनगढ़ बंधे का निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित थाना क्षेत्रों और बाढ़ चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, नदियों के किनारे बसे कई गाँव तक बाढ़ का पानी पहुँच गया है। इसको लेकर सभी थानों क्षेत्रों और बाढ़ चौकियों और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से सजग और सतर्क है। इस मौके पर एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, और लगातार पानी बढ़ रहा है तो पुलिस को इस मामले में सतर्क किया गया है। गोरखपुर में सभी थाने चौकियों को अलर्ट किया गया है और कुछ जगहों पर बाढ़ चौकियों की व्यवस्था करी गई है। पुलिस थानों में हिसाब रखा गया है कितनी नावें, कितने नाविक तैयार हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। आप देख रहे हैं कि ये डोमिनगढ़ ब्रिज है और पानी काफ़ी हद तक के बढ़ा हुआ है, कई गाँव के आसपास पानी है। फिलहाल सतर्कता बनाए रखी जा रही है और ये यहाँ पर अभी रोहिन नदी और राप्ती का संगम है, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि बाढ़ और काफ़ी हद तक के पानी बढ़ गया है और हमें उम्मीद है कि पानी बढ़ेगा। लोगों को लगातार हम चेता रहे हैं और इस बारे में पुलिस पूरी तरह से सजग और सतर्क है। यहाँ लोकल जो पुलिस है, यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं जो तिवारीपुर थाने में हैं और ये जो हमारा शहर का मेन बंधा है उसका निरीक्षण किया गया कि जो कहीं और कोई दिक्कत ना हो और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बरकरार रहे और अपराध पर भी नियंत्रण रखते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस कैसे काम करेगी, इसका रूपरेखा बना ली।